पेश करना सीगा चौटाला जी नूं, उसदे बारे थोड़ा दस्सो जी। कल 26 तरीक नूं जी शामी 4:30 बजे थाणा शंभू वल्लों मेरे कैंप ऑफिस विच इक फरियाद दित्ती गई सी, एप्लीकेशन दित्ती गई सी, जिस विच उहनां ने यह बेनती की कि जिहड़ा असी सतलुज यमुना लिंक के इशू नूं लैके 73 बंदिआं दी गिरफ्तारी की सी ते उहनां नूं प्रिवेंटिव डिटेंशन विच केंद्रीय जेल पटियाला विच भेज दिता गया सी कि उहनां तों हुण कोई अमन शांति का खतरा नहीं महसूस होंदा पुलिस नूं, ते मुकामी पुलिस की इस गल नाल सहमत होंदे होए कल ही मैं उहनां दे रिलीज़ ऑर्डर इशू करते सीगे, ते जिथे तक मैनू इनफॉर्मेशन आई है उन्होंने रिलीज़ कर दिता गया है, इसलिए हुण मेरे को पेश होने की तो कोई लोड़ ही नहीं हैगी, प्रोसीडिंग ड्रॉप की जा चुकी। तो सर ये अपना अज काफ़ी गार्द लगी हुई है, रस्ता भी रोकया हुआ है, तो सर वो किस वास्ते, मतलब इन्होंने कोई इनफॉर्मेशन नहीं पुलिस को? ये पुलिस के प्रबंधा की गल है जी, उन्होंने क्योंकि ऑलरेडी कॉल हो चुकी थी तो पुलिस ने तो अपने प्रबंध करने ही होंगे, सो उस करके इन्होंने सारे प्रबंध किए हुए हैं, किसी भी अनसुहावनी घटना पहले ही मतलब वापरन तो रोकने लिए प्रबंध किए गए। सर प्रशासन ने SYL मेन रोड GT रोड का रस्ता खोलता सीगा, हुण कोई उस तो बाद कोई खतरा कोई है जी, कोई गलबात कोई है जी? अज की तरीक विच तां जी मेरे को कोई इहोजी खबर नहीं है, ना पुलिस वालों कोई इहोजी खबर दी गई है कि कोई इहोजा खतरा जापदा है, जिवें एज एंड वैन जब भी इहोजी कोई गल आऊगी तो प्रशासन इस गल लई पूर्ण तरह तो तैयार है, तो असी कोई भी इहोजी घटना नहीं होंदा वांगे जिहदे नाल अमन शांति नूं कोई भी किसी प्रकार का खतरा।